नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। फारुखाबाद में पांचाल प्रेस क्लब का विस्तार जारी है। पांचाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने हरप्रभात राजपूत को अध्यक्ष, क्लासी मीडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ दीपचंद्र दीक्षित को महामंत्री और ओमवीर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर श्री शेखर ने कहा कि माहौल बदल रहा है और अब हम हर उत्पीड़न का जवाब देने के लिए तैयार है। जो हमें छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जो पत्रकार साथियों को गंभीरता से नहीं लेगा उसे सबक सिखाना हमें आता है। हमने अपनी दिशा तय कर ली है। अब पत्रकारों का उत्पीड़न और पत्रकारों के साथ बदतमीजी, ये कहीं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दो घटनाएं हुई हैं DIC फर्रुखाबाद पर, और हमने जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं हमने उन्हें बहुत सीधी सादी भाषा में समझा दिया है कि अगर अब पत्रकारों से इस तरीके की सौदेबाजी होगी, पत्रकारों के साथ विवाद किया जाएगा, उन्हें अपमानित किया जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। वहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार अंशुल गंगवार के साथ एक दरोगा जी ने बदतमीजी की, और उसके बाद में एक हमारा पड़ोस में एक साथी का अखबार का दफ्तर है, चैनल का, पोर्टल का, उसे अनावश्यक रूप से वहाँ पर खबरों के प्रेषण का काम हो रहा था उस समय, उसे अनावश्यक रूप से सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बंद करवाने की कोशिश की। तो ये दोनों चीज़ें हमने संज्ञान में ली हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज कहना चाहेंगे। और यहाँ जब हम यहाँ कमेटी घोषित कर रहे हैं अपने नवाबगंज की, तो ये बहुत यहाँ से सीधा संदेश देना चाहेंगे उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो मीडिया का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो पत्रकारों के संगठन का मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम पहले दिन से ही कहा था कि जो फर्रुखाबाद की बार एसोसिएशन है उसके मुकाबले उसी तरह का संगठन पत्रकारों का खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने किसी पत्रकार को छेड़ने की कोशिश की तो उसका हश्र क्या होगा आगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्रकारों के संगठन ने अभी तक इस तरह का काम किया नहीं। तो आज ये जो घटनाएं GIC फर्रुखाबाद पर हुई हैं उनको लेकर के हमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ये दोनों मामले, इन मामलों में अगर या तो माफ़ी मांगी जाए, और माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती है तो हम तैयार हैं, हर मोर्चा झेलने के लिए तैयार हैं, और हम लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं, हम लड़ाई हारने के लिए या बैलेंस करने के लिए नहीं लड़ते। बहुत साफ बात, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो दैनिक जागरण के हमारे साथी के साथ हुई हो और चाहे हमारे पड़ोस में एक पोर्टल का दफ्तर बंद कराने को लेकर के, दोनों बातें बहुत गंभीर हैं और ऐसी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम से चला जाना चाहिए। आज हम लोगों ने रणनीति बनाई है, अगर आगे से इस तरीके की स्थितियाँ न सुधरी, लोगों ने हमें गंभीरता से न लिया, तो परिणाम इसके भयंकर हो जाएंगे।